दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुमका जीरो बैलेंस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में। अगर आपने अभी तक इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही आप पैन कार्ड आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन घर बैठे वीडियो केवाईसी करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन ऑर्डर नहीं करते हैं तब आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अकाउंट है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के ऑफर भी देखने को मिलते रहते हैं अगर आप इसे रेगुलरली अच्छे से यूज करते हैं। वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप ऑफर पा सकते हैं प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कैसे आप अपने डेबिट कार्ड को देख पाएंगे, उसके बाद कैसे आप अपना पिन जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना जुपिटर ऐप ओपन कर लेना है। जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तब आपको लॉग इन करने के लिए जुपिटर ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस शो करेगा। जैसे हम इस आई के आइकन पर क्लिक करेंगे हमारा अकाउंट बैलेंस जो होगा शो कर जाएगा। और यहाँ पर आपको अपग्रेड नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आपने जुपिटर सेविंग अकाउंट को जो है सैलरी अकाउंट या फिर प्रो अकाउंट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर जस्ट हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेबिट कार्ड का, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा डेबिट कार्ड शो कर जाता है वर्चुअल फॉर्म में। यहाँ पर अपने नंबर को हम कॉपी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आप अपना पिन भूल जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिसीट पिन का। तो जैसे इस पर हम टाइप करते हैं, यहाँ पर आपको सेट डेबिट कार्ड पिन, यहाँ पर आपको अपना सेट जो है जो भी पिन आपको बनाना है वो आप पर एंटर करेंगे, फिर से आप री एंटर करेंगे। इस तरह से आपका डेबिट कार्ड पिन बन जाता है। सिंपल आसान है। यहाँ पर आप आसानी के साथ अपना 1 मिनट के अंदर ही अपना डेबिट कार्ड का पिन जो है बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन यूजर्स के बारे में। तो जैसे इस पर टाइप करते हैं हम, यहाँ पर इसे यहाँ पर ऑनलाइन यूजर्स को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपने ऑफ कर दिया, अब जैसे इस पर टाइप कर देंगे ऑफलाइन अब ऑन हो गया, यानी कि रिश्ते यहाँ पर ऑनलाइन हो चुका है। अब इसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कॉपी नंबर है, इस पर जैसे टाइप करते हैं कॉपी नंबर, इसे यहाँ पर कॉपी नंबर इस तरह से कॉपी हो जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन या किसी अन्य प्लेटफॉर्म से यूज करते हैं अपना डेबिट कार्ड तो आप इस नंबर को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आप जो है अपना ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आपको अपना सीवीवी नंबर देखना है तब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपका डेबिट कार्ड शो करता है तब आपको सिंपल ऐसे स्लाइड कर देना है। इस तरह से जैसे स्लाइड करेंगे तो आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपकी एक्सपायरी डेट और उसके बाद आपका सीवीवी शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं सीवीवी इस तरह से आपका सामने आ जाएगा। यहाँ पर आई का ओपन बना हुआ है, इस पर जैसे ही आप टाइप करेंगे तब आपका सीवीवी भी शो कर जाएगा। तो इस तरह से आपने कार्ड की पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है कार्ड सेटिंग का। तो आप जैसे इस पर टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर अपने कार्ड की पूरी सेटिंग को यहाँ पर हैंडल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर स्लीप मोड आपको देखने को मिल जाता है कार्ड का, पुश ट्रांजेक्शन यानी कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बंद हो जाएगा। देखते हैं ड्यूरिंग 12 AM to 6 AM यानी कि रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक आपका कार्ड बंद रहेगा। और यहाँ पर फ्रीज मोड आ जाता है जो कि टेम्परेरी ब्लॉक मोड रहता है। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तब आपका टेम्परेरी जो है फ्रीज हो जाएगा कार्ड। सेटिंग के ऑप्शन में हमें यहाँ पर भी रिसेट पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ से हम अपने पिन को रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे ऑर्डर और फिजिकल डेबिट कार्ड, जैसे इस पर टाइप करते हैं यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड को हम ऑर्डर भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके क्या क्या चार्जेस है वहाँ पर बताया गया है, और वर्चुअल में क्या सर्विस देखने को मिलती है और फिजिकल में क्या देखने को मिलता है यहाँ पर पूरा जो है डिस्क्राइब किया गया। एनुअल फीस यहाँ पर हमारी 299 रुपए होने वाली है और इसमें प्लस GST हमारा चार्ज लगने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें चार्ज पे करना पड़ेगा अगर इसे हम फिजिकल फॉर्म में अपने पास ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे ट्रांजेक्शन सेटिंग के ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं मैनेज ट्रांजेक्शन लिमिट। यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे यहाँ से हम ई कॉमर्स में कितना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से, डोमेस्टिक हो गया यहाँ पर आप सेट कर पाएंगे। अगर आपको इंटरनेशनल सेट करना है तब आप यहाँ पर इंटरनेशनल ई कॉमर्स की साइट को जो है ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है इंटरनेशनल तो आप यहाँ से भी आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है मैनेज सेव कार्ड डिटेल्स। यहाँ पर आप जैसे इस पर टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स को जैसे सेव करके रखते हैं, यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे यहाँ पर आपका कार्ड डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे सिलेक्ट आप डिफरेंट कार्ड, अगर आपके पास कई सारे कार्ड होते हैं तो यहाँ पर शो कर जाएगा, लेकिन हमारे पास सिंगल कार्ड है इसलिए यहाँ पर शो करा देते हैं। अभी हमारा कार्ड एक्टिवेट है तो इस तरह से एक्टिव लिख करके आ रहा है। और लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाता है मैनेज ऑटो पे। तो जैसे इस पर टाइप करेंगे जो भी ट्रांजेक्शन हमने ऑटो पे कर रखा हुआ यहाँ पर शो कर जाएगा। तो अभी हमने कोई भी ट्रांजेक्शन ऑटो पे नहीं कर रखा है इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक कार्ड का। अगर आपका कार्ड जो है इनकेस कहीं खो जाता है या फिर गिर जाता है तब आप अपने कार्ड को यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं। वो जो है आपका फिजिकल में होता है, लेकिन अगर आप वर्चुअल यूज करना चाहते हैं तो आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें आपके कोई भी चार्जेस नहीं पड़ने वाले हैं। तो अगर आपने भाई अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट में आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के ऑफर देखने को मिलते रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और लोन्स, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। इस तरह से हमें 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं।
अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं इस अकाउंट को, अपना क्रेडिट कार्ड या फिर कोई भी बिल पे करते हैं इस अकाउंट से, तब आपको यहाँ पर लोन एंड क्रेडिट कार्ड का ऑफर बहुत जल्द मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस अकाउंट को अच्छे से यूज करिए, उसके बाद आपको ऐसे ऑफर जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहती है।